स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस वीडियो इज फॉर क्लास थर्ड। सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल स्टडी। चैप्टर नंबर 4 वी हैड स्टार्टेड इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट इज प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। उस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उसे ट्री कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखे थे ट्री के, जैसे बेनियन, पीपल एंड कोकोनट ट्री। फिर हमने पढ़ा था बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड शब्स। बुशी प्लांट्स को शब्स कहा जाता है, और जो प्लांट्स शब्स से भी छोटे होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि जो पौधे होते हैं वो अलग अलग जगह पे उगते हैं। फिर देखा था हमने कि पौधों की जो पत्तियाँ होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की होती है। देन हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट स्मेल। जो अलग अलग पौधे होते हैं उनकी स्मेल्स भी क्या होती है, अलग अलग होती है। आज की वीडियो में जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, बुक रीडिंग का, वो उसमें हम पढ़ेंगे शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स का, पत्तियों का बहाव, नीचे गिरना, बहाव मीन्स आप बोल सकते हो नीचे गिरना, जब पत्तियाँ गिरती है। शेडिंग लीव्स क्या होती है? शेडिंग लीव्स हेल्प्स टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी। अगर पत्तियाँ गिरती नहीं है ना, तो पत्तियाँ जैसे ख़राब हो जाती है, सूख जाती है, वो नीचे गिर जाती है, जिससे क्या होती है, वाटर और एनर्जी क्या होती है एक पौधे की बच जाती है। जो बेकार की पत्तियाँ होती है उस पर वाटर नहीं जाता, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री मोस्टली इन द ऑटम सीजन एंड सम टाइम इन समर सीजन। जो लीव्स होती हैं वो कब कब गिरती हैं? कभी पतझड़ के मौसम में, और कभी कभी गर्मियों के मौसम में भी गिरती है। दिस इज कॉल्ड शेडिंग ऑफ लीव्स। इसे शेडिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तियाँ जब गिरती हैं ना, उसे कहा जाता है शेडिंग ऑफ लीव्स। ट्रीज शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर। देखिए आ गया ना कि ट्री जो होते हैं वो पानी को बचाने के लिए पत्तियों को बहाव कर देते हैं। द फॉलन लीव्स स्लोली रोट विथ टाइम एंड मिक्स विद द सॉइल। ये क्या होती है, जो पत्ती गिरी हुई होती है ना, धीरे धीरे क्या होती है, रोट मीन्स क्या होता है, ख़राब हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। किसमें मिल जाती है? फिर वो सॉइल में वापस मिल जाती है। ठीक है, दीज इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन को बढ़ाती है। तो मतलब पत्ती ख़राब हो गई और फिर वो मतलब सड़ गई, और सड़ने के बाद वो मिट्टी मिल जाती है, मिलने के और मिट्टी में जैसे जैसे पत्तियाँ मिलती जाती है, मिट्टी का उपजाऊपन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। वी शुड नेवर बर्न द लीव्स बिकॉज ऑफ बर्निंग हार्मफुल गैसेज आर रिड्यूस विच पॉल्यूट द एयर। हमें कभी भी सूखी हुई पत्तियों को आग नहीं लगानी चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पत्तियाँ जलती हैं तो बहुत हार्मफुल गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा एयर क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है, एयर में या हवा में प्रदूषण फैल जाता है। इसलिए अभी कभी भी सूखी हुई पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। सूखी पत्तियाँ ही जलती हैं, वैसे तो नॉर्मल पत्तियाँ तो जल नहीं सकती। वी शुड कलेक्ट ऑल द फॉलन लीव्स एंड पुट देम इन अ कंपोस्ट पिट। इस तरीके से कंपोस्ट गड्ढा खोद के हम उसके अंदर सारी लीव्स को डाल सकते हैं, उसको फिर से भर देंगे। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन एंड ऑल्सो गिव्स मैन्यूर टू द प्लांट। ये क्या करता है, ये हमारे एयर पॉल्यूशन को तो बचाएगा ही बचाएगा, ऊपर से ये मैन्यूर मतलब होता है खाद के रूप में पौधों के लिए काम आ सकता है। इसलिए इस तरीके से गड्ढा खोद के हम रख देंगे ना, तो इस तरीके से एक मैन्यूर मतलब खाद मिल सकती है हमें, जिसकी फर्टिलिटी बहुत बढ़ सकती है हमारी सॉइल की। तो इसलिए अगर आपके पास कभी भी ऐसी पत्तियाँ हो ना, तो उसको गड्ढे में गाड़ के डाल दो और फिर उसको उसके ऊपर कोई पौधा लगा दो, तो वो पौधा बहुत अच्छे से जल्दी से क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्लांट आर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट क्या होते हैं? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं। कॉटन का, सीरल्स एंड पर्ल्स, ठीक है, सीरल्स मतलब खाने पीने की चीज़ें, जैसे ज्वार, गेहूँ, ये हो गए, और पल्सिस में आ गई दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टी एंड कॉफ़ी, ऑयल एंड मेडिसन्स, ऑयल तेल और मेडिसन्स, दवाइयाँ, वुड। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती है। वुड मतलब लकड़ी मिलेगी, तो लकड़ियों से फर्नीचर बनता है। फाइंड आउट द डिफरेंट थिंग्स यू सी इन योर होम मेड फ्रॉम प्लांट। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कम से कम एटलीस्ट 5 things लिखनी है आपको। 5 things लिखनी है आपके घर में जो किससे बनी हुई है, प्लांट से बनी हुई है। देखो वेजिटेबल आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा, मेडिसिन भी आ जाएगी, चाय, कॉफ़ी, तो 5 things आप इजी लिख सकते हो ना, तो ये आप करना है वर्क। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बहुत इजीली। उसके बाद देखिए एक्टिविटी है, हमने लास्ट भी एक्टिविटी की थी लीव्स वाली, अब इसमें है मेक अ सीनरी बाय
टेकिंग प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स लीव्स, आपको क्या करना है, प्लांट्स लीव्स के प्रिंट्स को लेके, मतलब प्लांट की लीव्स लेनी है, उससे पेंटिंग करनी है आपको, सीनरी बनानी है, मतलब उसको ड्रॉप करके, ठीक है। अरेंज, ये हम एक्टिविटी स्कूल में करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आप लोग कर सकते हैं तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या करना है, अरेंज द लीव्स ऑफ पीपल और हिबिस्कस ऑन द टेबल और ऑन एनी हार्ड एंड फ्लैट सरफेस। पीपल और हिबिस्कस की पत्ती आपको लेनी है और टेबल पे या किसी भी हार्ड सरफेस पे रख देना है उसे। प्लेस द लीव्स इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीव विथ द वीनस इज ऑन द टॉप, स्ट्रॉन्ग रॉन्ग साइड अप, मतलब उसका उल्टा साइड जो होता है ना, जिसमें ऊपर की तरफ निकली हुई होती है पत्ती, वो वाला साइड आपको ऊपर रखना है, नीचे की तरफ सरफेस पे बिल्कुल फ्लैट एरिया रखना है। ड्रॉ अ सीनरी ऑन द पेपर शीट, आपको एक सीनरी बनानी है, मतलब कोई सी पिक्चर बनानी है। प्लेस द पेपर शीट ऑन द अबाउ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, आपको लीव्स के ऊपर रखना है उसे। देन नाउ रब द कैरियन जेंटली एंड इवनली ऑन द पेपर शीट, होल्ड द लीव्स टाइटली सो दैट दे डू नॉट मूव, आपको उसके ऊपर रखनी है और उसके ऊपर से क्या करना है, क्रेयॉन कलर को रखना है, जैसे हम स्केच करते हैं ना, जैसे आपने सिक्का रख दिया इसके नीचे, उसके ऊपर करते हैं सिक्के की ड्राइंग बन जाती है, इस तरीके से करना है। कलर द एंटायर पिक्चर, उस तरीके से पूरी पिक्चर पे करना है, देखिए इस तरीके से लीव्स के शेड आ जाएगा, देखो दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपकी पिक्चर पे लीव्स का शेड आ जाएगा, मतलब लीव्स को रख के उसके ऊपर कलर फेरेंगे तो उसका शेड, जो लीव्स का जो शेड है वो आपकी पिक्चर पे आता चला जाएगा, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जल्दी से आ जाओ, मैं अपनी एक्सरसाइज करते हैं। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, द कैक्टस प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट, कैक्टस प्लांट कहाँ होता है, डेजर्ट में। द राइस प्लांट इज अ, राइस प्लांट इज अ हर्ब, ठीक है। देन डैश आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, लीव्स। देन आएगा सर्किल द ऑड वंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बैनियन, नीम, रोज, कोकोनट, देखिए बैनियन, नीम और कोकोनट जो है वो ट्री है, लेकिन रोज क्या है, एक प्लांट है, तो इस पर लिखेंगे इट इज अ प्लांट, इट इज अ प्लांट, एंड रिमेनिंग आर ट्रीज। लीव, शॉप, ट्री, हर्ब, देखो शॉप, ट्री और हर्ब क्या है, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, लेकिन लीव क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट, तो हम इस पर लिखेंगे लीव इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, और ये क्या है, काइंड्स ऑफ प्लांट, ये प्रकार है और ये पार्ट है, तो इस पर आ जाएगा सर्किल, ठीक है। देन देखिए फिर, एंड पाइन ट्रीज ग्रोज ऑन माउंटेन, कहाँ उगते हैं, माउंटेन, एम ओ यू एन टी ए आई एन एस, माउंटेन्स। द वाटर लिली प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कहाँ उगता है, वाटर। डैश एंड डैश ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस, कौन से पौधे वार्म प्लेस पे उगते हैं, मैंगो एंड नीम, मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रोज इन वार्म प्लेसेस। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, मोस्टली जो लीव्स होती हैं वो कौन से कलर की होती है, ग्रीन, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक, ये होमवर्क आपको वर्क, जो वर्क है ये होमवर्क में करना है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन। हैव यू टेकन, ऑल राइट, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स एंड राइट देयर नेम ऑन द डॉटेड लाइन, ये देखो ये कैक्टस है, ठीक है, तो इस पर हम लिखेंगे सी ए सी टी यू एस, कैक्टस। ये कौन सा पौधा है, कोकोनट, ठीक है। देन ये पौधा है, एक मिनट अब देखिए, कॉटन, एंड दिस वन इज रोज, ठीक है। उसके बाद जॉइन द डॉट्स एंड कलर द दीज लीव्स, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द ईच लीव विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स, पपाया, मैंगो, पीपल,
आपको क्या करना है, ये वर्क तो आप बुक में ही कर सकते हैं बेटा, क्योंकि बुक होगी तो ही करोगे। इस तरीके की लीव्स ये बनी हुई हैं, उस पर डॉटेड लाइन पे आपको पहले इन डॉटेड लाइन को फिल करना है, ठीक है। देन इसमें कलर करना है। उसके बाद आपके पास ये तीन ट्रीज की लीव्स है, पपाया, मैंगो एंड पीपल। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी लीव कौन से पौधे, कौन से ट्री की है। ये देखो, ये वाली जो लीफ है ना बेटा, ये पीपल की है। किसकी है? पीपल ट्री की है। ये वाली जो है, ये है पपाया ट्री की, एंड जो लास्ट वन है वो हमारी है मैंगो ट्री की, ठीक है। तो ये वर्क आप बुक में ही कर सकेंगे, क्योंकि पिक्चर आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरीके की पिक्चर अपनी नोटबुक में। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन आंसर आपकी पीडीएफ के थ्रू आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम।